लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। आप कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो ऑलरेडी डन है, क्या आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट? तो मैंने एग्जाम्पल पूछा, आपने कहा कि गोली चलती है और गन पीछे आती है, M1 V1 M2 V2, हो गया मोमेंटम कंजर्व, पहले भी जीरो बाद में भी जीरो। बॉम्ब फटता है एक टुकड़ा इधर, तो उसको कंजर्व करने के लिए, नेट मोमेंटम जीरो करने के लिए दूसरा टुकड़ा उसके ऑपोजिट, तो भी जीरो। हमने किया है, हमने काफ़ी एग्जाम्पल किए थे, बोट में मैन आगे चलता है, बोट पीछे जाती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अगेन मोमेंटम M1 V1 M2 V2, हमने किए ऐसे क्वेश्चंस। तो फिर ये क्या चीज़ है, सेंटर ऑफ मास बीच में कैसे आ गया? देखो, एक्चुअल में जब गोली चली और गन पीछे आई, तो गोली का मास था M1, गन का मास है M2, उनके इंडिविजुअल मासेस है। कोई पूछे कि सेंटर ऑफ मास कहां पर है, सेंटर ऑफ मास तो उनके अंदर ही था कहीं पर इमेजिनरी पॉइंट का, उसका क्या हुआ ये बताओ, उसके ऊपर लगा के दिखाओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम। ये तो इंडिविजुअल मासेस पे लगा रहे हो M1 M2, मुझे किस पे लगाना है, सेंटर ऑफ मास पे लगाना है। फर्क है दोनों में, जैसे मैं और ये दो पार्टिकल्स हैं M1 M2, पर मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम दोनों पे लगा नहीं रहा, मैं किस पे लगा रहा हूं, सेंटर ऑफ मास पे लगाना चाहता हूं जो इमेजिनरी है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, ऐसा क्यों क्यों लगाने की कोशिश कर रहे हैं? तो मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा इसका लॉजिक बताता हूं, आपको बात समझ में आएगी एक लाइन में। कैसे? किसी ने यह कहा कि मेरे पास एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, बहुत बहुत लाखों पार्टिकल्स हैं, और लाखों पार्टिकल के ऊपर ना, लाखों पार्टिकल मूव कर रहे हैं बिकॉज उनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एफ लग रही है। जैसे आपके ऊपर F1 लग रही है, आपके F2 लग रही है, F3, F4, F5, F6 करते करते Fn। तो किसी ने मेरे को टास्क दिया कि सर एक काम करो, आप ना ये बताओ सिस्टम की नेट फोर्स कितनी है। तो मैंने कहा देख, नेट फोर्स मैं निकाल के दिखाता हूँ, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू, तो मैंने कहा देख, d/dt ऑफ M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर प्लस M3 V3 वेक्टर। मैं बोलता गया कहां तक, MN VN वेक्टर। अब अगर मान लो इसमें 50 पार्टिकल हैं, तो 50 पार्टिकल का पहले फोर्स F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, FN वेक्टर निकलेगा, फिर उनको वेक्टर से कैंसलेशन भी करूंगा या एडिशन पैरेललोग्राम दो 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 करके। ये तो बहुत लंबा टास्क हो गया, यहां तो दो पार्टिकल के वेक्टर संभलने, हमसे दो वेक्टर संभालने मुश्किल हो पड़े हैं, ये तो 500 की बात हो रही है। चलो कहते ऐसे करके मैंने कहा भाई देख, ये तेरी इक्वेशन है, बात हो गई खत्म, सही है। उसने कहा ठीक है, समझ गया। लेकिन अगर मान लो पार्टिकल 500 पार्टिकल होते, फिर मतलब लिखता लिखता थक जाता, चलो 5000 पार्टिकल होते, अब चलो 500000 पार्टिकल होते, अब तो नहीं बात बन सकती, ये मेथड तो फेल है पक्का। तो किसी ने आइडिया दिया कि आप इंडिविजुअल मास के साथ काम कर क्यों रहे हो? मैंने कहा किसके साथ करूं, सेंटर ऑफ मास के साथ करो। तो सेंटर ऑफ मास के हिसाब से नेट फोर्स पता है क्या आएगी, टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बस, तो अगर उन 5000 पार्टिकल का अगर आप मुझे वेलोसिटी बता दें सेंटर ऑफ मास की, मैं टोटल मास से मल्टीप्लाई करूंगा यहां से और यहां से, आंसर एग्जैक्टली क्या आएगा, सेम। यही तो फायदा है सेंटर ऑफ मास का। तो फिर कौन इसके साथ काम करेगा? तो इसके साथ आप कहोगे हम तो पहले भी ही काम कर रहे थे, जब आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम करवाया था हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो फिर आपने ये नहीं बताया, फिर आपने ये क्यों बताया? आपने कहा कि दो पार्टिकल M1 V1 M2 V2 लोग, क्योंकि मेरे एग्जांपल में पार्टिकल ही दो थे M1 और M2। मैंने कहा बॉम्ब के दो टुकड़े कर दो M1 M2, गोली चलाओ M1 M2, बॉम्ब के तीन टुकड़े कर दो हद से हद M1 M2 M3। मैंने कभी कहा बॉम्ब के 10 टुकड़े कर दो? मैं कर ही नहीं सकता था, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत लंबा हो जाता है ऐसे करने में। तो दो पार्टिकल तीन पार्टिकल के लिए तो फर्स्ट मेथड एप्लीकेबल है, प्रॉब्लम नहीं है कोई। लेकिन जब पार्टिकल दो या तीन से बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर फर्स्ट मेथड से करना बहुत मुश्किल है, हम सेंटर ऑफ मास से करेंगे। क्लियर है? तो अगर ये ट्रू है, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट कर लेते हैं, तो d/dt ऑफ m × वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू d/dt ऑफ m1 × v1 वेक्टर अप टू mn × vn वेक्टर। इक्वेट कर देते हैं, ऑब्वियसली अगर दोनों बातें एक ही हैं तो क्यों ना ऐसा करें, इंडिविजुअल जो हमने लंबे तरीके से फोर्स निकाली और छोटे तरीके से फोर्स निकाली, उनको इक्वेट कर देते हैं। और अगर इन्हें इक्वेट करें तो ये वाला और ये वाला टर्म एक दूसरे के बराबर माने जाएंगे। d/dt हटा दो ना, तो अंदर वाली टर्म तो बराबर ही है,
तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि m इंटू वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर mn vn वेक्टर। तो यहाँ से v सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, m1 v1 वेक्टर m2 v2 वेक्टर mn vn वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास में क्या आएगा, ये मास नीचे ले जाओ और टोटल मास होता पता है क्या है, m1 m2 अप टू mn। यार आपको ये तो फॉर्मूला देखा लगता है, देखा लगता है ना, दो पार्टिकल के लिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने क्या किया था, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, वही रिजल्ट तो n तक लिखा है, यानी कि वो रिजल्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और n नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला प्रूव किया है मैंने, ऐसे होता है। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, पर यहाँ पर अभी तक मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम यूज नहीं किया, अभी सिर्फ मैंने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तक पहुंचा हूं मैं। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास पे कैसे लगाया जाता है, क्योंकि उसके लिए मुझे क्या बताना था, हाउ टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो तो ऑलरेडी हमें पता भी थी वैसे, अगर ना भी बताता और सीधा फॉर्मूला लिखता तब भी चलता था, पर फिर भी मेरे को बताना जरूरी था कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं फोर्स की हेल्प से। तो अब मेरे इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को एक बात समझ में आ गई कि अगर कोई भी सिस्टम है उसके ऊपर अगर मुझे नेट फोर्स निकालनी है तो मैं सिंपली एक काम कर सकता हूँ, d by dt of m into velocity of center of mass लिख सकता हूँ, कोई डाउट इसमें, सिंपल है। और अगर नेट फोर्स जीरो है सिस्टम के ऊपर, बाहर से कोई फोर्स ही नहीं है, तो जीरो मास बाहर आ गया, d by dt of velocity of center of mass क्या हो जाएगा, जीरो, मास कट जाएगा, तो velocity of center of mass की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट, या फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किस पे रहेगा, एट रेस्ट। यही मतलब है, वैसे भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही तो बोलता है कि अगर नेट फोर्स जीरो है किसी सिस्टम के ऊपर तो या तो उसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो पे है या फिर वो किस पे है, एट कांस्टेंट वेलोसिटी पे। क्या ये पॉइंट क्लियर है, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन होती है। और जिन सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है उन सिस्टम को क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम्स। एक आइसोलेटेड सिस्टम है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इसका मतलब या तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है या फिर जीरो है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इससे निकल के क्या आया, मतलब मैं क्या घर जाके क्या बताऊंगा, मैं क्या सीख के आया, ओके लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम इन सेंटर ऑफ मास, पूछेंगे फिर क्या है उसका मतलब, आप कहोगे कि जब कोई फोर्स नहीं लगती बाहर से किसी सिस्टम के ऊपर तो सेंटर ऑफ मास या तो रेस्ट पे रहेगा, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो फिर कोई पूछ सुनने वाला तो क्या बोलेगा, एग्जांपल देके बता, ये कहानी मत सुना, क्या है ये यूज, प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन बता, ये यूज कहाँ हो रहा है, चलो मैं यूज करके दिखाता हूँ ये यूज कैसे होता है, ठीक है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल जो आपको क्लियर कर देंगे ये टॉपिक हुआ क्यों। तो टॉपिक ये है, ठीक है, पहला एग्जाम्पल ये है, सपोज आपके पास एक बॉम्ब है, एक बॉम्ब किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट पे पड़ा हुआ है, तो बोलो इसका सेंटर ऑफ मास भी किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट पे पड़ा हुआ है, कोई डाउट इसमें, इनिशियल सिचुएशन यही है ना, रेस्ट पे पड़ा हुआ है। चलो बॉम्ब के दो टुकड़े हो गए, बॉम्ब के जब दो टुकड़े हुए तो एक टुकड़ा एम वन वी वन इधर चला गया तो दूसरा टुकड़ा m2 v2 वेक्टर इधर जाएगा ही जाएगा, क्यों, क्योंकि नेट मोमेंटम इनिशियली क्या था, जीरो। तो दो टुकड़ों का मोमेंटम ऐसे होगा ताकि ये मोमेंटम और ये मोमेंटम वेक्टर आपस में कैंसिल होकर नेट आंसर भी क्या प्रोड्यूस करेंगे, जीरो। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, यही किया था। तो कोई बताएगा बॉम्ब जब रेस्ट पे था, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, बॉम्ब अगर दो टुकड़े हो गए बोलो सेंटर ऑफ मास कहां पर मूव करेगा, m1 के साथ कि m2 के साथ, या वहीं पड़ा रहेगा, टुकड़े को जाने दो जाए खाली हवा में बैठे, कि ये बॉम्ब लेके, ये बॉम्ब है, मेरे को ये बॉम्ब है, फट गया एक टुकड़ा इधर ही हुआ, या कुछ नहीं बचा, सेंटर ऑफ मास यहीं पड़ा रहेगा, बिल्कुल ठीक यहीं पड़ा रहेगा, इमेजिनरी यहीं पड़ा रहेगा, सेंटर ऑफ मास पहले भी रेस्ट पे था और अब भी रेस्ट पे रहेगा। आपको कि ये क्या है, यहाँ कोई बचा तो है नहीं, दो टुकड़े एक उधर गया एक उधर गया, सेंटर ऑफ मास में अभी देख यहीं पड़ा है, चाहे वहां कुछ ना पड़ा हो। आप कहोगे अगर n टुकड़े हो गए, लाख टुकड़े हो गए, तो भी सेंटर ऑफ मास वो टुकड़े जाएंगे ही ऐसे,
कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फिर जीरो ही आएगी। मैं आपको मैथमेटिकली ये बात प्रूव करके दिखाता हूँ। मुझे ये बताओ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया वो क्या है? एम वन इंटू वी वन वैक्टर, एम टू इंटू वी टू वैक्टर अपॉन एम वन प्लस एम टू। मानते हो अगर बॉम्ब के दो टुकड़े हो जाएं तो एम वन वी वन वैक्टर, एम टू वी टू वैक्टर आपस में कैंसिल करते हैं तो ये मोमेंटम आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। जैसे इसका मैग्नीट्यूड अगर 10 है अलॉन्ग आगे की तरफ तो इसका 10 है अलॉन्ग पीछे की तरफ, तो दोनों आपस में कैंसिल। नेट आंसर अभी भी क्या आएगा आपके सामने? मैथमेटिकली प्रूव हो गया। मैथमेटिकली यही है ना, इसका मतलब कि इसका मोमेंटम आपस में क्या कर गया? कैंसिल। तो नेट आंसर बाद में भी क्या आएगा? जीरो। तो आपको मानना पड़ेगा जब दो टुकड़े हुए वो टुकड़े गए ऐसे कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अभी भी क्या है? जीरो ही है। वो रेस्ट पे पड़ा रहेगा। आप दुनिया जो मर्जी कहे कि बॉम्ब उड़ गया, 100 टुकड़े इधर उधर गिर गए, देख वहाँ पार्टिकल, आपको जी पार्टिकल वो देख गिरे पड़े हैं, एम वन एम टू एम थ्री, यही मान लो रूम के अंदर बॉम्ब फटा, सारे पार्टिकल यहीं पड़े हुए हैं, यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा इनिशियली, सेंटर ऑफ मास आपने यही बोलना है चाहे कुछ ना पड़ा हो। अगर कोई पूछे कैसे, ऐसे समझा देना, ये देख नहीं माने तो ऐसा बोल देना, तो एक काम कर तू हर पार्टिकल का x1, y1, x2, y2, x3, y3 मुझे लाके दे, तो जब मैं x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास में पुट करूंगा तो मेरी वही लोकेशन निकलेगी जो पहले थी। जितनी लोकेशन मेरी पहले थी वही लोकेशन बाद में भी निकलेगी। तो ऐसे भी प्रूव किया जा सकता है प्रैक्टिकली अगर हम करें तो, पर ये ज़्यादा आसान है करना। एक लाइन में हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट है इसमें? अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में तो इसका मतलब ये क्या है कि अगर जिन सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती, आइसोलेटेड सिस्टम पे, सेंटर ऑफ मास अगर इनिशियली रेस्ट पे है बाद में भी रेस्ट पे रहेगा, ये इसका एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल सुनो। दूसरा एग्जांपल है, इमेजिन करो आपके पास एक दिवाली का रॉकेट है, तो आपने टेढ़ी बॉटल सी की और ये टेढ़ी सी बॉटल में थीटा एंगल पर एक रॉकेट छोड़ दिया। रॉकेट कैसे गया? पैराबोले। रॉकेट फटा नहीं, बस चिंगारी से निकली और ऐसे करके ऐसे गिर गया, फटा नहीं है, एक्सप्लोड नहीं हुआ, ठीक, सस्ता है, कोई बात नहीं। अभी क्या हुआ कि किसने पूछा भाई सेंटर ऑफ मास का क्या हुआ, तो जवाब ये मिला, देख रॉकेट का सेंटर ऑफ मास पहले कहाँ पर था? रॉकेट के अंदर ही होगा ऑब्वियसली, और कहाँ होगा? मेरे घर पे तो रहेगा नहीं ना, सेंटर ऑफ मास घर पे रह गया, रॉकेट उड़ गया, ऐसा नहीं होगा, नहीं, सेंटर ऑफ तो बीच में ही होगा। तो सेंटर ऑफ मास ये रॉकेट जैसे जैसे आगे गया, सेंटर ऑफ मास भी उसी तरीके से आगे बढ़ता गया, उसके अंदर ही तो था, तो हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास ने क्या पाथ फॉलो किया? पैराबोलिक इन नेचर। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? राइट, ये कहानी क्लियर है, सही है, जस्टिफाइड भी है। अभी अगर ये मान लो एक्सप्लोर ही नहीं हो रहा, पेन का सेंटर ऑफ मास यहीं पर है और पैराबोला है, तो सेंटर ऑफ मास इसके अंदर ही है, तो पेन अगर पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास भी पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करेगा। लेकिन हुआ क्या रास्ते में? रास्ते में बॉम्ब एक्सप्लोड कर गया, ये रॉकेट फट गया या फट गया। अब देखो इसके बहुत टुकड़े हो गए। बहुत टुकड़े कैसे गिरे? ज्यादातर टुकड़े ऐसे गिरे, कुछ ऐसे गिरे, ऐसा नहीं कि यहां नहीं गिरे, यहां भी गिरे। ज्यादातर टुकड़े रॉकेट उड़ रहे ऐसे, ये देखो ऐसे गिरे टुकड़े, इस तरीके से, इस तरीके से। एक तो रॉकेट के अंदर पार्टिकल्स हैं, फटेंगे तो रॉकेट की वेलोसिटी लेके आगे जाएंगे, पीछे कैसे जाएंगे, आपके ऊपर कैसे गिरेंगे? रॉकेट तो आगे को जा रहा था तो पार्टिकल भी आगे गिरेंगे। अब वो ऐसे गिरेंगे कि सेंटर ऑफ मास, जो आपका सेंटर ऑफ मास है, फटने से पहले जो रास्ता फॉलो कर रहा था वो फटने के बाद भी वही रास्ता फॉलो करेगा। आपको सर गिरा तो कुछ है नहीं, यहाँ पे गिरेगा कुछ नहीं, आप हवा में बोलोगे देख रॉकेट फट गया, सेंटर ऑफ मास वो देख वहाँ गया, दिखेगा कुछ नहीं आपको, आपको कहेगा ये कई बात बनी यार, दिख तो रहा नहीं। आप कहोगे ये जो पार्टिकल्स गए इनके कोऑर्डिनेट्स ऐसे चेंज हो रहे हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं इनके आगे की तरफ कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट वही रास्ता फॉलो कर रहा है जो उसको पहले करना चाहिए था। या ऐसे भी बोल सकते हो फटने से पहले जो वेलोसिटी और जो रास्ता सेंटर ऑफ मास ने लेना था फटने के बाद भी वही लेगा, टुकड़ों को एडजस्ट कर रहे हैं, वो इस तरीके से गिरे कि सेंटर ऑफ मास वही रास्ता पैराबोला कवर करेगा और वही गिरेगा जहां वो बना बिना फटे गिरता। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है? तो मैं चलो इसका एग्जांपल देता हूं आपको और, ठीक। एग्जांपल है, आप दिवाली के उस पे
फेस्टिवल पे एक वो शॉट लेके आए, बड़े बड़े शॉट्स आते हैं, इतनी बड़ी वो पूरा शॉट जलाते हो और वो शॉट ऊपर जाता है एकदम, जब वो ऊपर जाता है, ऊपर जाके फटता है टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके, जब वो फटता है तो उसकी चिंगारियाँ हर तरफ, उसके पार्टिकल हर तरफ गिरते हैं। ऐसा तो नहीं होता उस तरफ तो सारों पे गिर गए, इधर कुछ गिरा ही नहीं, नहीं पूरा पैटर्न बनता है, देख रहे हो हर तरफ पैटर्न ऐसे गिरता है। ऐसे ही है अनार भी चलता है तो वो इस तरीके से पूरा का पूरा आप चलाते हो, ऐसे ही होता है। अब ये पैटर्न ऊपर जाके ऐसे कैसे बन रहा है, चलो सेंटर ऑफ मास से देखते हैं। बॉम्ब का फटना फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो इसका मतलब क्या है कि जो उसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पहले होगी बिना फटे, फटने के बाद भी उसने वही कुछ करना है जो बिना फटे करना था। चलो बॉम्ब फूटा नहीं, शॉर्ट फूटा नहीं, शॉर्ट गया ऊपर, फटा नहीं सीधा नीचे, सोचो एयर की फ्रिक्शन नहीं, हवा नहीं, कुछ नहीं, परफेक्ट एग्जाम्पल। एक बॉक्स लिया आपने, शॉर्ट निकला, शॉर्ट का ये पूरा बॉक्स निकला, एक पूरा बॉम्ब गया ऊपर ऊपर ऊपर, सेंटर ऑफ मास कहाँ पर, बॉम्ब के अंदर है, फटा नहीं है, अंदर है, तो वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, टॉप मोस्ट पॉइंट पर जीरो, फिर उसी बक्से में आके नीचे गिर गया, वो फटा नहीं, क्या होगा, ऊपर गया और नीचे गिर गया। ऐसे ही है, ऐसे ही होगा, अगर नहीं फटेगा तो ये रास्ता फॉलो करेगा। चलो अब दूसरा केस, मान लो बॉम्ब ऊपर गया और टॉप मोस्ट पॉइंट पर फट गया, अब पार्टिकल कैसे गिरे, ऐसे पार्टिकल अपने कोऑर्डिनेट्स चेंज कर रहे हैं, वेलोसिटीज चेंज कर रहे हैं, पार्टिकल की वेलोसिटीज v1 v2 v3 ऐसे होंगी कि जब आप सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालेंगे v1 m1 v1 m2 v2 m3 v3 करके, वही वेलोसिटी आएगी जो फटने से पहले आ रही थी, कहां पर, जिस बॉक्स से वो गया था उसी बॉक्स में एंटर करेगा, चाहे वहां कुछ एंटर ना करे, पर इमेजिनरी सेंटर ऑफ मास उसी लोकेशन पे एंटर करेगा, उसी वेलोसिटी से एंटर करेगा। पार्टिकल ऐसे फटेंगे और गिरेंगे कि उनकी वेलोसिटीज सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को वही रास्ता फॉलो करवाएंगे जो फटने से पहले करवा रही थी। तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास जो पहले थी बाद में भी वही रहेगी, क्लियर है। अब सोचो बॉम्ब ऐसे फट गया ऊपर जाके, ऐसे फटता है कभी ऊपर जाके सारे पार्टिकल इधर गिर गए, भाई जब सारे वेलोसिटीज इधर है सेंटर ऑफ मास उधर ही गिरेगा, तो कॉन्सेप्ट ही फेल हो गया ना। तो पार्टिकल ऐसे गिरते नहीं है, पार्टिकल तो ऐसे ही गिरते हैं हर तरफ ताकि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन इधर इधर चेंज ना हो, वो जैसे गया था वैसे का वैसे ही रहे। समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर फटने से पहले बॉम्ब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो आंसर बाद में भी रेस्ट ही रहेगा, और अगर फटने के बाद वो वेलोसिटी जो है, अगर मोशन में है कोई बॉम्ब और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फटने से पहले जो भी रास्ता फॉलो करेगी वो बाद में भी वही करेगी, चाहे वहां कुछ ना चाहे, तो एग्जाम्पल भी क्लियर है। सपोज करो नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि जो अर्थ और मून सिस्टम का एग्जाम्पल लेते हैं, अर्थ एंड मून सिस्टम। देखो अर्थ एंड मून सिस्टम के एग्जाम्पल में क्या होता है, इस सिस्टम को समझने से पहले एक और चीज समझते हैं हम। आपने सुना होगा कि ये सोलर सिस्टम है, यूनिवर्स है, बिग बैंग थ्योरी हुई थी। क्या है ये बिग बैंग थ्योरी, क्या होती है, बहुत बड़ी चीज थी, फट गई थी, फट के पार्टिकल निकले थे, दूर 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 जाते जा रहे हैं, आज भी यूनिवर्स में दूर ही जाते जा रहे हैं, ऐसा कुछ स्टोरी है, पता नहीं है एक्चुअल में, बहुत करोड़ों साल पहले है तो हमें मालूम नहीं, बट कुछ ऐसे लॉजिक है जो इसको कुछ प्रूव भी करते हैं। जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, अर्थ आज तक सन के चक्कर में पड़ी हुई है और उसके चक्कर काटी जा रही है, ऐसे ही बाकी प्लैनेट भी काट रहे हैं, ठीक है, जो सन के ग्रेविटेशनल पुल में आते हैं, वो जो नहीं आते वो तो बार बारो बार निकल जाए, उसका और कोई रोक नहीं सकता। सन के अगर चक्कर में आ गए, ग्रेविटेशनल पुल में आ गए, तो सन खींच लेगा, नहीं आए तो ठीक है, जो जा रहे हैं जाने दो, ऐसे ही है। तो जब बिग बैंग थ्योरी हुई उससे पहले एक बात बताओ, एक पत्थर को आप सर्कल में घुमा रहे हो रस्सी से, पत्थर सीधा जाता है टेंजेंशियल, द वेलोसिटी ऑफ वी, आपकी रस्सी इधर फोर्स लगाती है सेंट्रिपिटल, और सेंट्रिपिटल फोर्स वेलोसिटी की वैल्यू कभी चेंज नहीं करती, उसकी डायरेक्शन चेंज करती है, याद रखो बताया था, तो इसकी डायरेक्शन चेंज, फिर सेंट्रिपिटल डायरेक्शन चेंज, सेंट्रिपिटल डायरेक्शन, अगर ये टूट जाए रस्सी कभी पत्थर घूमेगा नहीं, पत्थर टेंजेंशियल जाएगा। इसका मतलब अगर पत्थर को सेंट्रिपिटल मिल गई फिर तो डायरेक्शन चेंज करेगा, नहीं मिली तो सीधा जाएगा। चलो अर्थ के ऊपर आ जाओ, अर्थ की सेम स्टोरी है, अर्थ जाना कैसे चाहती है, टेंजेंशियल सीधा, अर्थ सन के चक्कर में पड़ना चाहती नहीं है, वो चाहती है कि बस ये सन है, सन का मास बहुत बड़ा है अर्थ से,
अर्थ चाहती है कि वो बिल्कुल सीधा खिसक जाए, बस सीधा निकले यहाँ से, तो हर वक्त खिसकने की कोशिश कर ही रही है। प्रॉब्लम ये है कि सन अर्थ को कॉन्टिन्यूसली अपने ग्रेविटेशनल पुल से खींच रहे, और सन का मास बहुत बड़ा है अर्थ के मुकाबले, तो बहुत ही बड़ा है, तो सन उसको ईजिली खींच लेता है। अब सन उसे खींच रहे तो ग्रेविटेशनल पुल के साथ कहाँ एक्ट कर रहा है, टूवर्ड सेंटर। अब ये ग्रेविटेशनल पुल ऐसे एक्ट करता है इन दी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम करता है, तो इसलिए अर्थ अपनी डायरेक्शन क्या कर लेती है, चेंज। तो फिर सेंट्रीपेटल, फिर चेंज, फिर सेंट्रीपेटल, फिर चेंज, आज तक इस चक्कर में पड़ी हुई है और गोली घूमती जा रही है। लेकिन अगर सन का ग्रेविटेशनल पुल ना होता, मतलब ही नहीं है, सीधा सन के आगे से ऐसे पास होकर कहाँ चलती पता नहीं। सारे प्लैनेट्स का यही हाल है, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सीधा जाना चाहते हैं लेकिन ग्रेविटेशनल पुल उन्हें डायरेक्शन चेंज करवा रहे हैं। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ठीक, एक सेकेंड। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? अर्थ और मून सिस्टम के अंदर जो अर्थ है वो गोल 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 घूमती जा रही है क्योंकि उसको ग्रेविटेशनल पुल मिल रहा है। अब अगली कहानी सुनो। अगली कहानी ऐसी है कि आप सोच रहे होंगे इतनी कहानियाँ, तो कहानी सारी काम आने वाली हैं जो मैं एग्जाम्पल देने वाला हूँ, आपको पता होना चाहिए तभी आप सोच पाएंगे, तो सोच नहीं पाएंगे। अब सपोज करो आपके पास कोई ग्रेविटी फ्री स्पेस है, अर्थ जो वो, उससे भी पहले एक और एग्जांपल देता हूँ। जो न्यूटन था उसने ना एक ग्रेविटेशन का लॉ बनाया, उसने कहा कि अगर कहीं भी दो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं m1 m2 तो ये आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं g m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो किसी ने कहा कि सर मैं मुझे क्या सन खींच रहा है? हाँ, मैंने कहा खींच रहा है। तो क्या मैं भी सन को खींच रहा हूँ? बिल्कुल, तो बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से खींच रहा है, तो फिर सन मेरे को उठा के क्यों लेके जा रहा? पॉइंट है, तो कितनी फोर्स से खींच रहा है? मैंने कहा देख, सन और हमारी दूरी ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा को मैथ्स में क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी, बहुत बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इन्फिनिटी में फोर्स क्या आएगी? जीरो। फॉर्मूला वैलिड है, फॉर्मूले की प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टेंस इनफाइनाइट है, पर अगर फाइनाइट डिस्टेंस में है तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा। तो फिर उस स्टूडेंट ने एक और क्वेश्चन पूछा, कहता ठीक है मान गया, मैं और ये दो स्टूडेंट बैठे हैं, हम तो खींच रहे हैं ना, ये तो फाइनाइट डिस्टेंस है यार, हमारा मास भी कंपेरेबल है और डिस्टेंस भी, चलो मैं पास आ जाता हूँ एक मीटर पास, तब तो खींच। मैं कहा बिल्कुल खींच रहे हैं। तो फिर वो कहता है टक्कर क्यों नहीं हो जाती? दुनिया में इतने इतने ऑब्जेक्ट्स हैं, आपस में खींच रहे हैं ना, तो फिर ये टक्कर करें अर्थ के ऊपर, प्रॉब्लम क्या है आपस में? क्योंकि ये मेरे को खींच रहा है, मैं इसको खींच रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है? टक्कर तो होनी चाहिए, तो क्यों नहीं हो रही? हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा मास किसका है? अर्थ का। अर्थ के होते हुए कौन किसको खींचेगा? खींचते रहो। अर्थ कहती है पहले मैं खींचूंगी, क्योंकि अर्थ ने हमें नीचे खींच के रखा हुआ है, इसलिए ये वाली फोर्सेस अर्थ के फोर्स के मुकाबले निग्लिजिबल है। अर्थ का मास तो बहुत बड़ा है, तो कैसे इसका और इसका मास कंपेयर करके अर्थ की फोर्स को ओवरपावर कर सकता है? नहीं कर सकता। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ऐसा हो नहीं पाएगा। लेकिन आप अगर अर्थ को हटा दें, यहाँ से है ही नहीं अर्थ और कोई ग्रेविटी नहीं है, बस एक मैं और एक ही है, 101% अट्रैक्टिव फोर्स होगी ग्रेविटेशनल पुल और हम दोनों की टक्कर होनी ही है। होते नहीं कोई ऑब्जेक्ट मान लो यूनिवर्स में जा रहे हैं, वो टक्कर हो जाती है प्लैनेट के साथ, क्यों होती है टक्कर? क्योंकि अट्रैक्शन होनी होनी, अट्रैक्शन, टक्कर होएगी होएगी। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक?
अब इमेजिन करो दूसरा एक और केस कि सपोज करो मैं और ये फिर से ग्रेविटी फ्री स्पेस है, हम दोनों की टक्कर होनी होनी है, हम एक दूसरे को खींच रहे हैं, पर कोई गया और मुझे हम रस्सी से बांध रखे एक दूसरे को, मेरे को उसने टेंजेंशियल वेलोसिटी दे दी और इसको भी हल्की सी टेंजेंशियल वेलोसिटी दे दी, कुछ ऐसे जैसे सपोज ये पहला पार्टिकल है एम, ये दूसरा पार्टिकल है एम, ठीक है, और एम और एम दो पार्टिकल्स हैं, और एम और एम दो पार्टिकल्स हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये लोग ठीक ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, और कहाँ जा रही है इनकी फोर्स टूवर्ड्स सेंट, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर किसी ने क्या दी वेलोसिटी वी दे दी, किसी ने वेलोसिटी वी दे दी, वी वेलोसिटी देके अब क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स और वेलोसिटी कहाँ पर है, आपस में टेंजेंशियल है मानते हो, और अगर ये टेंजेंशियल है तो एंगल इनके बीच में क्या है 90 है, एंगल 90 है, तो दे विल मूव इन अ सर्कल, तो फिर हम वो दो जो अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस में है आपस में टक्कर मारने वाले थे, पर किसी ने जब टेंजेंशियल वेलोसिटी दी तो कैसे घूमना शुरू कर दिया इन अ सर्कल, हम सर्कल में घूमना स्टार्ट कर देंगे, राइट तो सर्कल का सेंटर क्या होगा, सर्कल का सेंटर ये होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, हम दोनों का सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि हम दोनों का मास बराबर है, हमारा सेंटर ऑफ मास भी सेंटर पे होगा। लेकिन इमेजिन करो कि एक पार्टिकल बड़ा है और एक पार्टिकल छोटा है, अब सेंटर ऑफ मास सेंटर पे थोड़ी ना होगा, सेंटर ऑफ मास m2 के करीब होगा, ऐसे होगा, अब हम दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं पर किसी ने हमें क्या दे दी टेंजेंशियल वेलोसिटी, सर्कल में घूमना पड़ेगा, तो m1 m2 कहता है देखो ऐसा है हम अपने अपने सेंटर ऑफ मास के आसपास घूमेंगे, सिंपल है, तो जब सेंटर सेंटर पे था बिल्कुल मास जब बराबर था, फिर दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के आसपास घूम रहे थे सिमेट्री में, अब प्रॉब्लम ये है कि इसका सेंटर ऑफ मास का रेडियस r2 है और इसका सेंटर ऑफ मास का रेडियस r1 है, तो ये r1 रेडियस में घूमेगा और वो r2 रेडियस में घूमेगा, तो ये छोटे सर्कल में घूमेगा और ये बड़े सर्कल में घूमेगा, लेकिन सेंटर दोनों का कॉमन होगा, अपने अपने सेंटर ऑफ मास के आसपास घूमेंगे, क्या है पॉइंट, क्लियर है, लॉजिक समझ में आ रहा है यहां तक, एक बड़ा पार्टिकल एक छोटा पार्टिकल, अगर हमारा मास बराबर सेंटर ऑफ मास सेंटर पे, तो मैं अपने सेंटर ऑफ मास के आसपास घूमूंगा, ये भी अपने सेंटर ऑफ मास के आसपास घूमेगा, सिंपल, पर अगर मेरा मास ज्यादा इसका कम, तो मेरा सेंटर ऑफ मास यहाँ, हम दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर, तो मैं छोटे चक्कर में काटूंगा, मैंने इससे क्या लेना, फोर्स जो मिलनी थी मिल गई, मैं अपने सेंटर ऑफ मास के आसपास छोटे चक्कर में सर्कल काटूंगा और ये बड़े सर्कल में चक्कर काटेगा, क्लियर है, रूल क्लियर हो गया। चलो अब एग्जाम्पल पे आते हैं, एक अर्थ और एक मून, अर्थ और मून का अगर मास बराबर होता, सेंटर ऑफ मास हवा में कहीं मिड पॉइंट पे होता और दोनों के दोनों सेंटर उसके आसपास चक्कर काट रहे होते, प्रॉब्लम ये अर्थ का मास मून के मास से बहुत ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट अर्थ के ऊपर ही है, ऑलमोस्ट वेरी नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ। अब रूल वही है, रूल नहीं ब्रेक करना, दोनों सर्कल में घूमेंगे एक दूसरे के, टेंजेंशियल वेलोसिटी तो है इनके पास, मूवमेंट तो हो ही रही है इस उसमें सिस्टम में, तो मून कहता है अर्थ, मून कहता है देखो मैं अपने सेंटर ऑफ मास के आसपास घूम रहा है या घूमूंगा, तो सेंटर ऑफ मास मून कहाँ देख रहा है, अर्थ पे, तो अर्थ के आसपास चक्कर काट रहा है, चक्कर काट रहा है, अब अर्थ की बारी, अर्थ को कहा तू भी घूम सेंटर ऑफ मास के आसपास, अर्थ कहती है क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो मेरे ऊपर ही है, चलो ठीक है मैं भी चक्कर काटती हूँ, अपने एक्सिस पे स्पिन करना शुरू कर दिया, बिकॉज उसने सेंटर ऑफ मास का आसपास चक्कर काटने हैं, तो एक्सप्लेनेशन है कि एक्सिस पे अर्थ घूम रही है, अपने सेंटर ऑफ मास के आसपास घूम रही है क्योंकि सेंटर ऑफ मास है इसके ऊपर और मून उसके सेंटर ऑफ मास के आसपास घूम रहा है, तो एक्सप्लेनेशन वैसे तो इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन करेंगे, पर सेंटर ऑफ मास से कैसे एक्सप्लेनेशन देनी है समझ में आ रहा है, यहाँ तक सेंटर ऑफ मास से इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे होगी समझ में आ रहा है, हाँ सन भी स्पिन करता है, सन और अर्थ की भी सेम स्टोरी है, सन स्पिन कर रहा है अपने सेंटर ऑफ मास के आसपास क्योंकि सन का मास अर्थ से तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो उसी के ऊपर सेंटर ऑफ मास है, तो सन स्पिन कर रहा है और अर्थ उसके आसपास चक्कर काट रही है, तो ये पूरी जो थ्योरीज और मैथमेटिकल जो एक्सप्लेनेशन हैं वो अलग है इनकी, टोटल अलग है, ग्रेविटेशनल पुल से सार को चलता, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास को जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट भी एकदम सही है, राइट इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा मैं
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास को लेके, ये वाला 69 नंबर शीट जो भी है, अब यहीं से देख लो। इस पूरे कॉन्सेप्ट पे ये न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है कि अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट टॉप मोस्ट पॉइंट। अच्छा, अब थोड़ा और इजी करके समझाता हूँ। पहले एक प्रोजेक्टाइल है, उसको मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक प्रोजेक्टाइल को मैंने प्रोजेक्ट कर दिया एट एन एंगल ऑफ थीटा। ऑब्वियसली प्रोजेक्टाइल यहां गिरेगा, क्या ही तरीका है। और ग्राउंड पे कितनी दूरी पे गिरेगा, इस दूरी को क्या बोलते हैं, रेंज, याद है, रेंज पे गिरेगा। कोई डाउट है इसमें, राइट? तो ये इसकी रेंज है, ठीक है यहां तक। तो सेंटर ऑफ मास क्या रास्ता फॉलो करेगा, पैराबोलिक। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ मास। कोई डाउट इसमें, सेंटर ऑफ मास ये रास्ता फॉलो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें सपोज करो ये पार्टिकल या ये जो भी बॉम्ब है या जो भी चीज है, ये प्रोजेक्टाइल, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे आके फट गया और इसके दो टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा इसका कहां पे गिरा, बिल्कुल नीचे गिर गया, यहां पे छोटा टुकड़ा। छोटा टुकड़ा का मतलब मास m, इसका टोटल मास 4m था मान लो, m नीचे गिर गया। तो ये बताओ कि जो 3m है पार्टिकल, 3m, एक और पार्टिकल है 3m, वो कहां गिरेगा, इस पॉइंट के लेफ्ट पे गिरेगा या राइट पे गिरेगा या एग्जैक्टली यहीं गिरेगा, m अगर यहां गिरा तो 3m कहां गिरेगा, यहां गिरेगा, यहां गिरेगा या इधर गिरेगा, बिल्कुल राइट गिरेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मास, मास बड़ा है तो मतलब दूर गिरेगा, सेंटर ऑफ मास बीच में है, उसे ही कह रहे हैं। देखो मेरा और इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, तुम्हारे पास तो नहीं होगा, हम दोनों के लाइन में बीच में होगा। तो अगर मुझे पता है कि अगर बॉम्ब फट भी जाता है, सेंटर ऑफ मास ने तो इमेजिनरी यही रास्ता फॉलो करना है, हवा में यही रहेगा सेंटर ऑफ मास का, तो दूसरे वाले पार्टिकल को 101% ऐसे ही दूर गिरना पड़ेगा ताकि इसका और इसका सेंटर ऑफ मास का बीच का रास्ता ये निकले। तो ऑब्वियसली वो R से दूर गिरेगा, क्योंकि अगर दोनों टुकड़े यहीं गिर गए तो सेंटर ऑफ मास कैसे जाएगा वहां पे, सेंटर ऑफ मास तभी जाएगा जब दो पार्टिकल यहां, सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में। कोई डाउट इसमें, तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताओ कितनी दूर जाके गिरेगा ये बड़ा पार्टिकल, इसके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल 37 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया 100 मीटर पर सेकंड पे, सेंटर ऑफ मास जो रास्ता फॉलो करेगा वो तो देखो नो डाउट यही करेगा, लेकिन पहला टुकड़ा यहाँ गिरा, दूसरा टुकड़ा यहाँ गिरा एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये सेंटर ऑफ मास आर पे गिरा और ये वाला टुकड़ा एक्स पे गिरा। तो आपको एक्स निकालना है और आपको ये गिवन है कि जो टुकड़े हुए वो दो हिस्सों में हुए 1:3 में, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो टुकड़े हुए 1:3, 1:3 का मतलब एक मास एम है तो दूसरा मास 3m है, राइट? पहले मुझे ये बताओ कि ये x तो बाद में निकालते हैं, बड़े टुकड़ा अगर वो ना फटता, सेंटर ऑफ मास कहाँ गिरता, r पे, सेंटर ऑफ मास तो r पे गिरता। अच्छा, r की वैल्यू कैसे निकलती है, v² sin 2θg प्रोजेक्टाइल, v पता है, थीटा पता है 37g, मल्टीप्लाई मत करना 2 × 37, साइन 2θ का फॉर्मूला लगाओ, 2 × sin θ × cos θ, वो रीजन इसलिए cos 37 की वैल्यू याद करनी है 4/3 और साइन 37 की 3/5, तो सॉल्व करके आंसर क्या आएगा 960। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 960, क्लियर है? तो ये 960 मीटर आ गया। अब इसमें सेंटर ऑफ मास 960 मीटर पे गिरेगा, पहला पार्टिकल। अच्छा, हमने निकालना क्या है, हमने बड़े पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम एक काम करते हैं, इसको ओरिजिन मान लेते हैं। ओरिजिन में पहले टुकड़े का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, रेंज बाय 2, पहला टुकड़ा ठीक नीचे गिरा तो ये डिस्टेंस कितना है, r/2। तो रेंज है कितनी, रेंज है 960, 960 का आधा कितना है 480,
तो पहले टुकड़े का x कोऑर्डिनेट कितना है 480, दूसरे टुकड़े का x कोऑर्डिनेट कितना है x, और सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या है r। तो आप ये फॉर्मूला लगाएं x एक्सिस मान के, तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या है r, r 960 है। पहला पार्टिकल m है जो बिल्कुल ठीक नीचे गिरा 480 पे, x कोऑर्डिनेट पे काम करना है, y पे नहीं करना, y तो कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग है, हमने क्वेश्चन में x निकालना है तो x के साथ काम करेंगे। x कोऑर्डिनेट 480 है और 3m का x कोऑर्डिनेट x है अपॉन m प्लस 3m, सॉल्व करके क्या आएगा x आएगा 1120 मीटर आंसर। पॉइंट समझ में आया कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, कोई डाउट इसमें?